वेलकम टू पीएनबी माइंड पावर चैनल, अ चैनल टू किस न्यू लाइफ। आप सभी को किसी भी काम करते समय शांति भाव की आवश्यकता पड़ती है। कई बार मन विचलित हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, खासकर विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षाएं जब काफ़ी निकट हो और मन में विचलन बहुत बार बार आए किसी भी कारण से, तो आज का ये वीडियो आप देख लीजिएगा और ये प्रतिदिन और पढ़ने के समय करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। मैं ये वीडियो दो पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट एकदम शॉर्ट है जिसमें सिर्फ ओम जाप में सिखाऊंगा। दूसरे पार्ट में ओम जाप के साथ एक मंत्र भी पढ़ना है, उसको भी आप कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन कम से कम अगर ओम जाप करते हैं किसी भी समय पर, जैसे आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ रहे हैं और उसी बीच मन में कुछ गंदी चीज़ें आ गई, मन के अंदर विचलित करने वाली कोई भावनाएं आ गई जिससे आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो आप ओम जाप कीजिए 3 से 4 बार, 5 बार भी कर सकते हैं। तत्काल वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन वापस आएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप चाहे तो सिंपली जैसे बैठते वैसे बैठ सकते हैं, बट बेस्ट के लिए, बेटर के लिए तो ये रहेगा, ठीक है, बेस्ट के लिए रहेगा कि आप दोनों पैरों को चढ़ा लें, जिसको हम लोग पद्मासन कहते हैं, ठीक है। तो पद्मासन में बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखिए, उंगलियों को मुद्रा देखिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। इस प्रकार से रख सकते हैं, ये ज्ञान मुद्रा है, ये चीन मुद्रा है। चलिए अब कैसे ओम जाप करेंगे सीखिए। सबसे पहले क्या करना है, आंखों को बंद करके और अपने शरीर को देखना है कि स्थिर है शरीर या नहीं है। उसके बाद अपने सांस पर, जो नासिका है उस पर आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखना है, और एक साधारण सी मतलब नॉर्मल जो ब्रीदिंग होता है उसको करना है। उसके बाद थोड़ा सा मतलब एक अनुमान से 1-2 मिनट के बाद, उसके बाद क्या करना है, आपको 3 बार सांस लेनी है और तीनों बार सांस लंबी होगी, गहरी होगी। अब लंबी गहरी का मतलब ये नहीं कि ऐसे करके कुछ नहीं करना है, आराम आराम से लेकिन देर तक। इस तरह से लंबी और गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़ देनी है। अभी थोड़ा सा मेरा तेज हो गया था, बट मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो धीरे धीरे और लंबे समय तक सांस लेनी है जितना ले सके, और छोड़नी भी है धीरे धीरे। ऐसा आपको 3 बार करना है, ठीक है, 3 बार करना है, ओके। और तीनों बार सांस को लेकर छोड़ देना है, लेकिन 4थी 5वीं और 6ठी बार सांस तो लेंगे बट छोड़ते समय आपको ओम जाप का उच्चारण करते हुए छोड़ना है। ओम शब्द को संधि विच्छेद कर लेंगे, ओ और म, जब ओ बोलेंगे तो ये जो ओठ है ना गोल हो जाएगा ओ, और जब म बोलेंगे तो मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है, बंद मुंह में ही म यहाँ पर ये कंठ के बाद गुंजयमान होगा, जिसे बहुत ज्यादा इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट पड़ता है माइंड पर। तो चलिए मैं 3 बार सांस लूंगा और छोड़ूंगा, 4थी बार 5वीं बार 6ठी बार मैं ओम जाप बोलूंगा। ओम जाप बोलने के बाद, समाप्त होने के बाद तुरंत आंखों को नहीं खोलना है, इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। सहजता पूर्वक 1 मिनट रुक कर 2 मिनट रुक करके तब खोलना है। अब देखें कैसे मैं कर रहा हूँ। हो सकता है मैं 3 बार 9 सांस लूँ, 1 ही बार लूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, बट आप 3 बार लेंगे फिर 4थी 5वीं 6ठी बार ओम जाप का उच्चारण करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 बार सांस लूंगा और वो फिर वो ओम जाप बोला शुरू कर दूंगा। ऐसा आप 3 बार करेंगे। चलिए मान लीजिए कि मेरा 3रा हो गया है, 4थी बार सांस लेके ओम जाप करेंगे। ओ
एक मिनट या दो मिनट रुकने के बाद, मैं तो जल्दी खोल रहा हूँ लेकिन आप रुकेंगे, ऐसे दोनों हाथों को आपस में हथेली पर रगड़ के थोड़ा गर्म होना चाहिए, आंखों पर सेक लगाएंगे हल्का सा, फिर अपने किसी गुरुदेव को याद करेंगे मन ही मन, धन्यवाद देंगे उनको कि उनके चलते आपने कुछ अच्छा काम किया जीवन में। ओम तत्सत। तो उसके बाद क्या करेंगे, अपने नेत्रों को सहजता पूर्वक धीरे धीरे खोलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तीन बार किया, तीन बार सांस लेकर छोड़ा, चौथी पांचवी छठी बार मैंने ओम जाप किया। आप चाहें, मैं तो यही कहूंगा कि आप तीन बार ओम जाप नहीं करके कम से कम पांच बार कीजिए। ठीक है, और इतना कम से कम कर लीजिए, अगर किसी को मंत्र वाला ही पसंद पड़ेगा मैं उसको भी बना दूंगा। ये खासकर समर्पित है जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, है तो सबके लिए फायदेमंद। चलिए, इन शब्दों के साथ मैं आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इसको शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, और किसी व्यक्ति के लिए जो रिटायर कर चुके हैं पर्सन, उनको तो चार पांच बार करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फायदा होता है हेल्थ का। ओके, थैंक यू।